फ्रेंड्स, अर्थराइटिस क्या है, अर्थराइटिस कितने तरीके की है, अर्थराइटिस दो तरीके से आप बांट के चलिए मेडिकल साइंस के बुक्स के हिसाब से, मैं पूरी तरीके से नहीं बताऊंगा आपको। दो तरीके की होती है, एक तो समय के साथ घिसने से और डिजनरेशन पतन होने से होती है, जिसको कहते हैं ना कि हम बहुत थक गए और थकने के बाद वो बीमारी पैदा हो रही है, तो वो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस या डिजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस, ज्यादातर बड़ी उम्र में पाई जाती है। दूसरी बहुत कॉमन है जिसको हम कहते हैं ट्रोमैटिक, चोट लगने के बाद लोगों को अक्सर दर्द होने लगता है, या बहुत ज्यादा कूदने या दौड़ने वाले लोगों को भी जोड़ों में दर्द समय से पहले आ सकते हैं कुछ लोगों में, उसको भी हम ट्रोमैटिक अर्थराइटिस कहते हैं। तीसरी जो सबसे कॉमन 80% केसेस में जो पेशेंट्स हर उम्र में लेकर आ सकते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस, और इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस में 99% केसेस ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस के होते हैं। तो ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जिस वक्त अर्थराइटिस बोलते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी बीमारी क्या है, चाहे आप जिस भी जगह के हों या जिस भी आय वर्ग के हों, जिस भी कंट्री के हों, आप यू मस्ट नो अबाउट कि व्हाट इज अर्थराइटिस एंड व्हाई यू शुड टेक अ ट्रीटमेंट। सो फ्रेंड, डिजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज्यादा कुछ नहीं है, और पेन किलर्स को ज्यादा कदा खाना ठीक है, लेकिन अक्सर अर्थराइटिस में रोजाना लेने की हैबिट पड़ती है, तो इट्स नॉट सेफ, इट्स अ रिस्क फैक्टर, कोलेटरल डैमेज है, तो उसमें आयुष ट्रीटमेंट काफी कारगर है, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन समय के साथ बढ़ता है तो उसको रोका जा सकता है या उसको थोड़ा रिटार्ड किया जा सकता है बहुत ही सक्सेसफुली बिना कोलेटरल डैमेज के आयुष में। नाउ सेकंड पार्ट है जिसको हम कहते हैं ट्रोमैटिक, ट्रोमैटिक में भी आयुष पद्धति और होम्योपैथिक थेरापेटिक्स में लाइन ऑफ एक्शन बहुत बेहतर है, पेन किलर की तुलना में आप इसको ज्यादा प्रीफर करिए, बट यस डायग्नोसिस और डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज भी क्लियर होनी चाहिए इस कंसेप्ट में, सिर्फ होम्योपैथिक थेरापेटिक्स से ही काम नहीं चलेगा, होम्योपैथिक थेरापेटिक्स टुगेदर विद एक्सपर्टीज एंड देन पुटिंग अप द एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपर्टीज एंड थेरापेटिक्स फॉर द पेशेंट वेलफेयर, ये एक इंपॉर्टेंट रिदम बनता है ट्रीटमेंट्स में। तो तीसरी जो कंडीशन जो आपको जानना चाहिए उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून अर्थराइटिस। तो फ्रेंड्स, ये इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून अर्थराइटिस जो होती है ये मुख्यतः कुछ तरीके की होती है, इनमें आपको जानना है सबसे कॉमन होती है उसको हम कहते हैं RA रूमेटॉइड अर्थराइटिस, दूसरी सबसे कॉमन है उसको हम कहते हैं MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्क्लेरोडर्मा, ये दोनों ही नर्व और सेल्स में फाइब्रोसिस पैदा करने वाली होती है, इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं सुपर इम्पोज करते हैं इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस के साथ, और ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, ये भी जॉइंट पे पेन प्रोड्यूस करती है, अल्टीमेटली ये नाड़ियों को भी सुखाती हैं और शरीर को गलाती हैं। तो एमएस और स्क्लेरोडर्मा एक बास्केट हो गई। तीसरा कॉमन है सिस्टमिक ल्यूपस एराइडेमाइटिस, ये भी मल्टीपल ऑर्गन डिजीज है। तो जैसे मैंने बताया कि अर्थराइटिस में आपने शुरुआत में देख लिया DOA, तो वही वो जॉइंट आपके खराब कर रही है, लेकिन ये जो इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस होती है सिर्फ जॉइंट नहीं खराब करती है, पूरा जीवन खत्म कर देती है, उम्र छोटी कर देती है, और इनमें जो ड्रग्स चलती है मॉडर्न साइंस में वो जीवन को अगर मॉडिफाई नहीं कर पाई तो जीवन कोलेटरल डैमेज से और कम हो जाता है, पेशेंट अल्टीमेटली सुकम्स 10 से 20 साल पहले, लेटेस्ट रिसर्च जो हुई थी उसमें उसकी उम्र छोटी हुई है। तो फ्रेंड्स, इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस में क्योंकि ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व है, मांसपेशी इन्वॉल्व है, हड्डियां इन्वॉल्व है, आंखें इन्वॉल्व है, लंग्स इन्वॉल्व है, हार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, नाड़ियां इन्वॉल्व हो रही, तो इट्स अ मल्टीपल ऑर्गन डिजीज, तो इसका ट्रीटमेंट भी एक बहुत ही डायग्नोसिस और सिम्टम्स के आधार पे आयुष पद्धति में करना चाहिए। और थर्ड सबसे कॉमन कंडीशन को हम कहते हैं फाइब्रोमायल्जिया, ये भी बहुत पेनफुल कंडीशन है, प्रोग्रेसिव कंडीशन है, लेकिन ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी मल्टीपल ऑर्गन को डिस्ट्रॉय नहीं करती है, ये बढ़ती है ठीक हो जाती है, बढ़ती है ठीक हो जाती है, लेकिन हाँ बॉडी में पेन प्रोड्यूस करती है, वो काफी तकलीफ प्रोड्यूस करती है। US में इसको SSRI के अंतर्गत रखा गया, मतलब सोशल कॉस्ट के अंतर्गत इसमें स्पेशल कंपनसेशन दिए जाते हैं। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस और फाइब्रोमायल्जिया पेन के लिए दोनों बराबर है, लेकिन इनका रिपरकशन अलग अलग है, जानना जरूरी है। इन्हीं कैटेगरीज में कुछ सिंड्रोमिक प्रेजेंटेशन है जिसको हम कहते हैं शॉकरिन सिंड्रोम, उसमें जितने भी फ्लूइड प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है वो सूखते हैं, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ यूरेथ्रा, ड्राइनेस ऑफ टीयर्स, ये सब देखी जाती है, आंखें जलती हैं, आंखें ड्राई होने लगती हैं। रीटेस्ट सिंड्रोम कॉमन है क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि कोविड के बाद या चिकनगुनिया के बाद या इन्फेक्शन के बाद पेशेंट को जोड़ों में दर्द शुरू हुआ है, तो उसमें रीटेस्ट सिंड्रोम बहुत कॉमन है, स्पेशली इसका संबंध क्लमाइडिया इन्फेक्शन या टाइफाइड के इन्फेक्शन के बाद देखा गया था, इसलिए इसको रीटेस्ट सिंड्रोम बोला गया। इसमें भी ट्राइड्स पाए जाते हैं। यूरेथ्राइटिस बहुत कॉमन है, जितनी नलियां हैं जैसे आंखों के टीयर ग्लैंड से वो भी अफेक्टेड होते हैं, पर अल्टीमेटली कभी कभी यंग एज में ड्यू टू कोलेटरल डैमेज एंड ऑटोइम्यून डैमेज दोनों, पेशेंट की उम्र बहुत छोटी हो जाती है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाती है, वो 20-30% ये लाइफ को कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑटोइम्यून अर्थराइटिस को क्या है और क्यों हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर आयुष पद्धति में और माइंड बॉडी हीलिंग में ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि इस बीमारी को मॉडिफाई कर सकती हैं, दैट मीन्स इसको रिकवर करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं,
बिना केमिकल या कोलेटरल डैमेज के, तो इसको ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स में ऐड होना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसकी उपयोगिता आपको मैं अब अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्यों आपको और कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं आयुष में और कौन से लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इन ऑटोइम्यून या मल्टीपल ऑर्गन डिजीज में आपकी मदद कर सकते हैं। डोंट मिस इट। ये बताएगा कि कौन से ऐसे खाने जिसमें आप ठीक हो सकते हैं, ऐसी कौन सी माइंड बॉडी हीलिंग है जिसको हम यूज करें डॉक्टर ससंगी, इसमें जो आयुष के प्रोटोकॉल्स आपकी किस तरीके से आर्थराइटिस में श्योर शॉट आपको हेल्प कर सकते हैं और आप भी पार्टिसिपेट करते हुए इस बीमारी को इस लेवल पे मॉडिफाई करें कि आप बिना दवा के समय के साथ चल पाए, जरूरत पड़ने पर पेन किलर्स खाएं, तो एक तरह का इंटीग्रेटिव फ्रंट के अंतर्गत आप इस ट्रीटमेंट को ले पाए, इसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में जानकारी दूंगा। मुझे आखिरी तक सुनने के लिए थैंक्स। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।